हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप SSC, रेलवे, UPSC कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पूरा आपको डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इससे फ़ायदा भी, आपको डेली जो है आपको नॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स में आप पूरे मुझसे पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया, इंटरनेशनल जो अवेयरनेस डे है आपके कब मनाया जाता है। तो हर साल इसको 29 सितंबर को ये खास करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है, जिसमें आपका जो खाद्य के बारे में जो हम भोजन करते हैं, तो जो खाने पीने के सामान है, इससे बर्बादी देखे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल वगैरह में आप जाते हैं, इससे जो खाना बहुत सारे फूड वगैरह इससे जो है आपको बहुत तो नुकसान होती है, प्लस तो नुकसान होता है लेकिन उन लोग को नहीं मिल पाती, जैसे जो पालतू जानवर वगैरह होते हैं कुत्ते वगैरह, वो एक तरह का वेस्ट हो जाता है, ना किसी के काम होता है या आपके डस्टबिन में जाता है, तो कोई मतलब का नहीं है। तो इसी लोगों को जो यहाँ पे कहा जाता है, आप कई देश भी ऐसे, जैसे आपको इटली के बोलो, वहाँ पे ऐसा बहुत सारे यहाँ पे नियम है, वहाँ पे जैसे खाना वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे जैसे खाना वेस्ट करते हैं या छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपसे पैसा वसूला जाएगा, आपको जुर्माना लगाया जाता है। तो बाहर में ऐसे तरह के नियम है, इसी तरह के जो नियम हमारे भारत में भी इसको लागू करना चाहिए, जो इससे क्या होगा, जो हमारे खाना जो फूड होता है रेस्टोरेंट, हम कहीं भी होटल वगैरह में जाते हैं, इससे कम से कम खाना तो वेस्ट नहीं होगा, हम जितना यूज कर पाएंगे, बहुत ही मेहनत से जो है बहुत मेहनत से पैसा मिलता है, खाना हमको नसीब होता है। एक लोगों को जागरूक करने के लिए जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखें, हर साल जो है इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेशन डे इसको बोला जाता है, ये जो दिवस है हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल इसको 30 सितंबर को ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इसको संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया तब से हम इसको इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और ख़ास करके जो बहुत सारे जो कठिन शब्द है जिसको हम ट्रांसलेट करके इसको हम पढ़ते हैं, तो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। कई कई यहाँ पे इसको कैसे प्राप्त करते हैं, किस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, बहुत सारे इसके सेमिनार वगैरह जो लेक्चर वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो इसको ट्रांसलेटर के जो माध्यम से इसको हम अनुवाद करते हैं, उसको समझ पाते जो कठिन शब्द वगैरह, इसी के लिए लोगों को जो है जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 30 सितंबर को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं बुजुर्गों की, ये जो डाटा है आपको बताऊंगा मैं किसके द्वारा जारी किया जाए, रिपोर्ट किसके द्वारा, ये इसका फुल फॉर्म होता है UNFPA, इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड यहाँ पे नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोला जाता है इसको, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसकी एक संस्था है, इसकी संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा के, जिसमें खास करके जो आपका ये इसी तरह के जो डाटा निकालते, जिसमें आपका जो डाटा निकाली भारत में देखेंगे 2050 तक बुजुर्गों की जो आबादी कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो यहाँ पे 20% जो आबादी यहाँ पे, इसी तरह के जो डाटा अलग अलग देश के लिए इसे जारी किया जाता है UN के द्वारा, ठीक है, जो संस्था है उनकी जो ऐसे टाइप के डाटा निकालती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2050 तक बुजुर्गों की जो आबादी लगभग 20% यहाँ पे रह जाएगी, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल की है, कौन से जो राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। ODF प्लस क्या होता है, तो ODF जो कि सुने होंगे नारा,
खुले में शौच मुक्त ये आपका जो प्लस ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको डाटा किया जाता है, इस डाटा को निकाला जाता है। तो खुले में शौच मुक्त जो है प्लस इस जो गांव कौन कौन से गांव ये जारी किया जाता है, इसी तरह का जो घोषित किया 2023 में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है आपका 100% ODF प्लस कवरेज यहाँ पे हासिल किया है। किसकी सरकार है? बीजेपी पार्टी की सरकार, जो कि योगी आदित्यनाथ पूरे जानते होंगे आपके चर्चा में रहते हैं। तो खुले में शौच मुक्त ये प्लस गाँव इसको घोषित किया है उत्तर प्रदेश को। और अगर परसेंट में देखें तो परसेंट भी बताया था, लगभग 75% यहाँ पे भारत में डाटा निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूँ। वैसे तो सभी जो कंटेंट तैयार किया करता हूँ मैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर। हाल ही में M.A. स्वामीनाथन, नाम सुने होंगे कई बार, कंप्यूटर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में जो M.A. स्वामीनाथन का निधन हुआ है, ये आपके कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे या कौन थे? तो गायक, पत्रकार, वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं थे? इसको तो सभी जानते होंगे, बच्चा भी जानता है, ये आपके जाने माने ये साइंटिस्ट थे M.A. स्वामीनाथन। ये आपके इनके जो प्रमुख किस लिए इनको जाना जाता है, तो यह भारत में देखेंगे तो गेहूं और चावल की जो उपज का इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गेहूं और चावल की जो उपज के जो देने वाले जो किस्मों में इन्होंने जो वैरायटी दी थे पेश की, इन्होंने जो आपका उपज देने के लिए बहुत सारे इन्होंने वर्क किए थे। और ये आपका जो गेहूं और चावल में बहुत सारे जो मैं जो यहाँ पे खोज भी यहाँ पे जो शोध करके इन्होंने गेहूं और चावल के जो उपज को इन्होंने बढ़ाई है। और चावल चावल और गेहूं के किस्मों में ये आपके इन्होंने विकसित करने में बहुत सारे इनका योगदान है। और इनको हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है भारत में, तो इसको याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो आपके M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो याद रखिए, इन्होंने गेहूँ और चावल में इन्होंने बहुत शोध करके जिसकी उपज को इन्होंने बढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिला में मिला है? जो आपके मिलने वाला है, एक तो अभी MP में मिला है फर्स्ट है, आपका दूसरा आपका कौन से राज्य हो जाएगा? तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। याद रख, बिहार की राजधानी पटना, फागू बोलता हूँ, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में ये आपका दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिला है, कहाँ पे? कैमूर जिला में। तो इसको याद रखिए, कुछ दिन पहले मैं MP में बताया था, आप देख सकते हो आपके बिहार में मिला है। तो दोनों को याद रखिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है MP, तो पहले भी प्रसिद्ध है, अब सेकंड में आपका बिहार प्रसिद्ध है। तो दोनों डाटा को याद रखिए, पहला पूछे तो आपको MP लगाना है, दूसरा पूछे तो आपको आपका कैमूर जिला बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो हाल ही में जो टाइम्स हायर एजुकेशन जो ये जो डाटा है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है पढ़ाई के लिए, ऐसे करके एक डाटा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में 2024 की बोल रही है, 2024 में कौन सा जो यूनिवर्सिटी टॉप पे है, शीर्ष स्थान पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। और बहुत सारे आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो कई बार एक्टर लोग बोल रहे हैं, तो मैं आप तुमको यहाँ पे पढ़ाया हूँ करके, बार बार फिल्मों में भी सुने होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ, ऐसे करके बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपका शीर्ष स्थान पर है 2024 में, मतलब जो बेस्ट पढ़ाई के एजुकेशन के लिए आपका जो इस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ की यूनिवर्सिटी है, बात करते हैं यूनिवर्सिटी पे, तो ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की जाने मानी यूनिवर्सिटी है। और लगभग 1000 इसकी स्थापना कब किया था, तो लगभग 1096 1096 में इसकी स्थापना किया गया था। और दुनिया के सबसे जाने मानी यूनिवर्सिटी है, तो इसको याद रखिए, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और आपका जो कि हर एजुकेशन के सेक्टर के बहुत ही पुरानी संस्था है और एजुकेशन के लिए इसको जानी जाती है, दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मूवी में सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे कम से कम तो। और यहाँ पे ये तो आपका हो गया वर्ल्ड में हो गया, लेकिन अब यहाँ पे भारत की बात करता हूँ मैं, भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी को चुना गया है? तो ISC बेंगलोर को, याद रखिए ISC बेंगलोर, ISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप साइंस जो है आपका जो ISC बेंगलोर को चुना गया है, जिसमें 75वां रैंक यहाँ पे दिया गया है बेंगलोर को, तो इसको याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस जो बेंगलोर है, इसको भारत के लिए चुना गया है। तो भारत का इंपॉर्टेंट ये भी दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान आपका स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड सुने होंगे, जहाँ बड़े बड़े एक्टर लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आजकल तो ब्लॉगर भी घूमने जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं रही है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या, तो ये आपका नवाचार की क्षमता जो आपका डाटा जारी करती है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या आपके जो गवर्नमेंट के जो कार्य है इन्वेस्टमेंट के मामले में, नवाचार के मामले में कौन से मुख्य कार्य करती है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में जो आपका स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान है। अगर भारत की बात करूं, ये जो नवाचार की क्षमता जो आपका जो डाटा है, ये आपका भारत का 42वां क्रम है। याद रखिए, जिसको बौद्धिक संपदा बोलते हैं। तो ग्लोबल इन्वेशन जो इंडेक्स में भारत का 42वां क्रम है, और इसमें टॉप में आपका स्विट्जरलैंड है। तो इसको याद रखें, तो आपके लिए जो इंडिया का रैंक इम्पोर्टेंट है। तो आपका विश्व में आपका जो है आपका इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहला है, और भारत का 42वां रैंक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने तीन उपग्रह को कक्षा को प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने हाल ही में ईरान के द्वारा यहाँ पे तीन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। जो ईरान के द्वारा, सभी जानते हो ईरान जो है आपका परमाणु हथियार वगैरह बनाता है, तो यहाँ पे उपग्रह में जो तीन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया, इसका मतलब क्या है? तो ये खासकर बहुत सारे देश का कहना है, यहाँ पे जो है ये जो बैलिस्टिक तकनीक, इस जो परमाणु जो है आपका हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है, बैलिस्टिक तकनीक इसमें इस्तेमाल किया है, और परमाणु हथियार जो कि पूर्व बैन किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हथियार इसमें जो है आपका यूज किया गया है, और ये आपका दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। ऐसा करके यहाँ पे जो उपग्रह में भेजा गया, प्रक्षेपित किया है ईरान के द्वारा, इसमें डाउट किया गया है, तो इसमें जो है आपका परमाणु हथियार वगैरह भेजा गया, ऐसा करके यहाँ पे इन लोग का कहना है। तो ये आपको बैलिस्टिक तकनीक का, यहाँ पे जो परमाणु हथियारों का जो उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, ऐसा करके यहाँ पे कई देश का बोलना है। तो इसको याद रखिए, ईरान के द्वारा यह आपका तीन उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसके जो मेजबानी है उत्तर प्रदेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है क्या? ताइक्वांडो चैंपियनशिप एक तरह का आपका मुक्केबाजी से संबंधित खेल है, जो कि ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो भाषा है, ताइक्वांडो जो भाषा है आपके कोरियाई शब्द है, इसका मतलब होते हैं आगे बढ़ना, इसका मतलब होता है, और ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित है, मतलब कैसे बचाव कर, एक तरह का आपका खेल है समझ सकते हैं। तो आपका यह इसके जो मेजबानी उत्तर प्रदेश को दी गई है, तो इसको याद है, कोरियाई शब्द है, इसका मतलब होता है आपका आगे बढ़ना, इसका मतलब जो कि हर दो साल में इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष चुना है? तो शैलेश गुप्ता है हमारे भारत के रहने वाले, इनको मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया ने यहाँ पे अध्यक्ष इनको चुना है। तो मीडिया से संबंधित रिसर्च करने के लिए इनको जो इनको जो है आपका मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के इनको अध्यक्ष इनको चुना गया। तो मीडिया से संबंधित रिसर्च से संबंधित यहाँ पे इनको अध्यक्ष इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो ये आपके ओडिशा सरकार ने, हाल ही में जो ओडिशा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। तो ओडिशा सरकार ने यहाँ पे चार विधेयक पारित किया गया है, जिसमें विधानसभा में जो कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। भूमि अधिग्रहण करने का मतलब यहाँ पे जो खास करके यहाँ पे सरकार के जितने भी योजना जो काम है, एक तरह का पारदर्शिता लाना है, लोगों के बीच जो है आपका धांधली वगैरह ना हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो विधेयक, यहाँ पे चार विधेयक पारित किया, जिसमें आपका सरकार के जो कामकाज होते हैं इसको पारदर्शिता लाना है। तो ये जो विधानसभा में जो विधेयक पारित किया है ओडिशा सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है इंडो अमेरिकन 2023 के 15वें व्हाइट हाउस फेलो में शामिल किया गया है या शामिल किया गया है? तो जो कमल में जो मेघराजानी है, या आपका कैंसर के जाने माने डॉक्टर है, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, कमल मेघराजानी, इनको हाल में इंडो अमेरिकन 2023 के 15वें व्हाइट हाउस फेलो में शामिल किया था। आपका व्हाइट हाउस फेलो में शामिल किया, व्हाइट हाउस जो कि यहाँ के अमेरिका की संसद है, तो यहाँ पे इस जो वहाँ पे सरकार के साथ विभिन्न मतलब जो
एक तरह का सरकार के साथ काम करने के लिए यहाँ पे जो फेलो में शामिल होने के लिए जो हमारे भारतीय मूल के जो कैंसर डॉक्टर है कमल मेघरा जानी को इसको शामिल किया, मतलब सरकार के जो वो जो जो अच्छे अच्छे जो वर्क होते हैं उसमें यहाँ पे इनको चुना गया है आपके कमल मेघरा जानी को। तो इसको याद रखिए, हमारे भारतीय मूल के हैं तो इसको याद रखिएगा। तो इस फेलोशिप जो कार्यक्रम में इस जो युवा नेता इनको चुना गया है, तो ये आपके सरकार के जो उच्च स्तर के जो काम होते हैं इनके लिए जो है इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एचपी ने जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप बनाते हैं वही एचपी बोल रहा हूँ मैं, तो हाल ही में एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। तो हाल में जो गूगल जाने मानी कंपनी आप सभी जानते होंगे 1998 में स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, लैरी पेज जो है इसके संस्थापक है। तो एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक निर्माण के लिए सहयोग किया है, तो गूगल और एचपी ने ये समझौता किया है। तो हाल ही में इसके समझौता चेन्नई शहर में किया गया है। तो क्रोम बुक निर्माण के लिए या लैपटॉप बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपका ये दोनों मिलकर यह समझौता किया गया है। तो चेन्नई में इसका जो है आपका 2 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा इसका काम कि आपका लैपटॉप निर्माण के लिए सहयोग यहाँ पे दोनों मिलकर करने वाले हैं, ये समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो मनीष जैन हैं इनको हाल ही में जो यस बैंक, थोड़ी बात करते हैं यस बैंक की स्थापना कब किया था, 2004 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सुनील मेहता इसके अध्यक्ष हैं और प्रशांत कुमार अभी वर्तमान में इसके बैंक के MD और CEO हैं। जब भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ मैं तो अक्सर सुनिए कि इसके MD और CEO अभी तक के सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो MD CEO को याद रखिएगा। तो प्रशांत जो कुमार है अभी यस बैंक के MD और CEO हैं, तो इसको अक्सर याद रखिएगा। तो हाल ही में यस बैंक ने थोक बैंकिंग के लिए यहाँ पे जो है बैंकिंग क्षेत्र में इनको कार्य करने के लिए इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है मनीष जैन को। ये आपके प्राइवेट सेक्टर की बैंक है यस बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। तो ये आपका कहाँ होगा, बिहार में शुरू होगा। बिहार की बात करूँ, यहाँ की राजधानी पटना, नीतीश कुमार जी यहाँ के CM हैं। तो विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष जो मेला है आपका शुरू कहाँ हुआ है, बिहार हो। तो यहाँ पे सभी को पता है पितृ जो हमारे जो पूर्वज थे, आपका पितृपक्ष मेला जो है अब इस तरह का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बिहार में। ये जो मेला खास करके जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी याद में जो है आपका ये आयोजन किया जाता है, उनके आत्मा शांति के लिए इसको आयोजन किया जाता है, तो बिहार में इसका आयोजन किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 21वें अरब मीडिया फोरम में जनरेटिव AI के लिए व्यापक गाइड का अनावरण किया है। दुबई ने किया गया है, याद रखे दुबई। तो दुबई ने हाल ही में 21वें अरब मीडिया फोरम में जनरेटिव AI के लिए व्यापक गाइड का अनावरण किया है। कहने का मतलब है दुबई ने हाल ही में अपने जो मीडिया फोरम है, जो समाचार जो एजेंसी है मीडिया फोरम में, इन्होंने जो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वर्क होते हैं इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक को अपना रही है अपने एक तरह का यहाँ पे सभी जो उनको काम काज इसको एक तरह का यहाँ पर डिजिटली करने जा रही है। तो इस जो आपका जो एक तरह इसमें व्यापम गाइड वगैरह इसमें नियम वगैरह इसमें समझौता किया है दुबई के द्वारा, इसको अनावरण किया गया। तो इसको याद रखिए आप, 21वें अरब मीडिया फोरम जनरेटिव AI के लिए व्यापक गाइड अनावरण किए हैं दुबई ने। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपके दिनों दिन आपके बढ़ती जा रही, इसी तरह का जो अनावरण दुबई के द्वारा किया गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।